नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामल कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं कि आप अपना किक हाई कैसे करेंगे, आप किक अपना ऊंचा कैसे करके रखेंगे। ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। छोटी छोटी टेक्निक है जो मैं आपको बताते रहता हूँ, आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। कुछ लोग भाई हमें बोलते हैं कि आपके पास तो ये सामान है इसलिए आप ये कर पा रहे हैं, आपके पास ये सामान है आप ये कर पा रहे हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना खिड़की के पे मैं हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि खिड़कियां तो सभी के पास में हैं। अब वो भी नहीं होगा तो बड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी आप कर सकते हैं। मैं जब प्रैक्टिस करता था उस वक्त मैंने जो पोस्ट लाइट होता है उसके ऊपर मैं किया था। पहले के पोस्ट लाइट में मैंने देखता था मैं, अब तो अब देख नहीं पाता हूँ। यहाँ पर एक बड़ा सा और एक साथ में एक छोटा सा पोस्ट लाइट में एक चिपका हुआ रहता था अर्थिंग के लिए, तो वो जो चिपका हुआ रहता था ना उसमें मैं प्रैक्टिस करता था। पूरा पैर ऊपर टान लिया और उसको पिलर को पकड़ लेता था। तो यहाँ पर खिड़की का सहारा लेंगे। देखिए क्या करना है हमें, पहला प्रैक्टिस हमें क्या करना है, इस तरह से पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। पहले यहाँ से जितना ऊँचा आपका जा सकता है, समझिए मैं यहाँ पर मेरा गया और समझिए यहाँ पर मेरा पैर गया, ठीक है। और इस तरह से हमें पकड़ के रखना है, ओके, इस तरह से हमें होल्ड करके रखना है कुछ देर तक, 30 सेकेंड 20 सेकेंड, ऐसे जैसे हम लोग अभी माइग्री कर रहे हैं इस तरह से। अगर हमारा कुछ दिन का आदत हो जाता है हमें, तब हम लोग इस तरह से सिर्फ बिना पकड़े हुए ऐसे करके रखना है। बिना पकड़े हुए जब रखिएगा ना ज़्यादा तकलीफ होने वाला है, क्योंकि वो पाँव भी स्लिप करता है, आपका यहाँ पर भी प्रेशर पड़ता है, पीछे के ऊपर में भी प्रेशर होता है। तो हम लोग जिस तरह से, अब ये ना हो कि हम लोग ऐसे रिलैक्स होकर नहीं, जैसे हम लोग फाइटिंग पोजिशन में रहते हैं उस तरह से पूरा एकदम ठीक से स्टे करके रखेंगे 30 सेकेंड। इस तरह से हो गए। अब हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से ये पैर हमने रख लिया, अब हम लोगों को हल्का हल्का नीचे का पैर बेंड करना है एंड अप, हल्का सा बेंड करना है। अब मैं नीचे का भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अकेला शूट करता हूँ तो गड़बड़ है हो रहा है अभी, ठीक है। इस तरह से हैं हम, पैर का आपको सिर्फ दिखा रहे हैं किस तरह से करना है। जैसे ये मेरा पैर ऊपर की तरफ है और मैं इस पैर को हल्का सा बेंड आना, हल्का सा बेंड आना, पहला वाला है हमारा स्टे करके रखना है। सेकंड वाला जो है हमें ऐसे बेंड एंड अप करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टे कर लिए और 10 टाइम बेंड एंड अप कर लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों को कौन सा किक करना है प्रैक्टिस, मावाशी गिरी। तो हम लोग मावाशी गिरी के लिए पहले पैर को ठीक है, मावाशी गिरी के लिए हम लोग स्टे करके रखेंगे इस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या होगा, घुटना बेंड करना है ना आप, घुटना बेंड करना है ना आप, घुटना 3 and up 4 and up 5 and up। इस तरह से हमें, अगर ये अप डाउन कर रहे हैं तो हमें कम से कम 10 टाइम करना है। अगर यहाँ पर स्टे करके रखें, स्टील स्टे करके रखें, तो कम से कम 20 सेकेंड 30 सेकेंड तो रखना ही है। 30 सेकेंड नॉर्मल है, सभी को करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग है, प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग नहीं रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम 50 सेकेंड रखें, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस करना क्या है, हमें योको गिरी करना है हमें, ठीक है। तो पहले हम लोग इस तरह से हम लोग पैर रख लिए, ठीक है, ऐसे किक, और फिर इस पर स्टे करके रखेंगे ऐसे करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर बेंड एंड अप, बेंड एंड अप, 3 एंड अप 4 एंड अप 5 एंड अप। ये चीज़ हमें प्रैक्टिस करना, पहले हम लोगों ने क्या किया, माइगिरी, फिर मावाशी गिरी के लिए पोजीशन, और फिर योको गिरी का पोजीशन। अब हमें करना है युशिरो गिरी। युशिरो गिरी को जब हम करते हैं तो हमें क्या करना है, पैर को यहाँ पर रख लेना है और बॉडी को स्टे करके रखना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ताकि आपको साइड से मैं करता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पर स्टे करके रखेंगे, माय पोजिशन, लुक बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। नेक्स्ट स्टेप, डाउन अप, 2 डाउन अप 3 डाउन अप 4 डाउन अप एंड 5 डाउन अप, ओके।
किसी कारण से आप ऊंचे में नहीं कर पा रहे हैं। मैं ज़रूरी थोड़ी ना कि छत पर चढ़ा लेंगे, तो हम अगर इतना में पैर करते हैं तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। 10 दिन लगना चाहिए, 20 दिन लगेगा, कोई टेंशन नहीं, आस्ते आस्ते करके हम लोग सीढ़ी करके बैठ चढ़ाएंगे। पर मैंने ऐसे रखा था, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक ईटा रख दिए यहाँ पर, इसके ऊपर में फिर ऐसे रख लेंगे, स्टे करके रखेंगे इसको, इसके बाद फिर से हम एक ईटा रख लेंगे ऐसे, फिर इसके ऊपर में इसको स्टे। तो इस तरह से हम लोग ईंट भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग, जैसे ये खिड़की है, खिड़की के ऊपर में, या फिर हमारा कोई फ्रेंड है और वो हमारा साथ देना चाहता है, तो हम उसको ये जैसे दीवार पर रखे हैं पैर एक साथ से, वो होल्ड करके रखा है कुछ देर तक, जस्ट टच करके, पकड़ के नहीं रखें, पकड़ के रखेंगे ना तो सामने वाला जो ओपोनेंट है उसका बैलेंस नहीं बनेगा। इस प्रैक्टिस से आपका बैलेंस भी बन जाएगा। अगर आपका यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रहा है कि इतना ऊंचा में भी हम नहीं रख सकते खिड़की के पास, ऐसे चेयर रख लीजिए, पहले स्टार्टिंग यहाँ से कीजिए, फिर आप आस्ते आस्ते करके बढ़ाइए। आप अपने आप को नीचे मत गिराइए कि मैं ये नहीं कर सकता सर, कैसे करूँ मैं, ये प्रॉब्लम नहीं ना। आपको क्या करना है कि पहले नीचे, अगर मेरा दर्द हो रहा है पैर में, ठीक है, पहले मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा, कुछ दिन किया, 2, 5, 10 दिन किया, फिर यहाँ पर आऊँगा मैं, फिर ईंटें लगाऊंगा, फिर आस्ते 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 करके यहाँ पर चढ़ूंगा। अगर आप लाइन से जाइएगा ना तो कंफर्म है कि आपका जो किक है वो हाई होगा। आप डायरेक्ट अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो नीचे वाला तो होगा ही नहीं, ऊपर तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और अपने आप को नीचे नहीं गिराना है, और आस्ते 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 करके अगर इंक्रीज कीजिएगा ना, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप अपना लेग स्ट्रेचिंग वाला जो है एक्सरसाइज है वो हमेशा करना है। वार्म अप बॉडी का हमेशा मैं बोलता हूँ आपको, वार्म अप एक्सरसाइज रेगुलर करना है। एक स्टूडेंट आती थी 10 साल पहले, तो उनसे मैंने पूछा कि आप वार्म अप कर लो फिर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो बोले नहीं सर मैं तो प्रैक्टिस करके आई, वार्म अप करके आई। कहाँ से आए भाई वार्म अप करके? बोले सर घर से करके आया था। उनके घर से आने में 2 घंटा का समय लग गया, 2 घंटा पहले आपने वार्म अप किया था, फिर आप यहाँ पर आकर फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होगा। जिस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, अगर 1 घंटा पहले किए थे, फिर अभी 1 घंटा बीच में गैप हो गया, फिर 1 घंटा बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आपको वार्म अप करना पड़ेगा। एंड में कूल डाउन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो होती है बॉडी की, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, तब जाकर आप जो भी जो मसल्स को आप ट्रेंड कर रहे हैं ना वो अच्छे से ट्रेंड होगा, और आपका जो सक्सेस चाहिए आपको, जो गोल आप सेट किए हैं वो गोल आपको हासिल हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।